साथियों, मई डे के अवसर पर सब साथियों को लाल सलाम। इस साल में हम लोग बहुत एक कठिन अवस्था में मई दिवस का आचरण करने के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी हमारा लड़ाकू इतिहास को याद करते हुए हम इस स्थिति में भी अपना ताकत के अनुसार सिचुएशन के आधार पर हम लोग जो है प्रोग्राम बनाएंगे। हम लोग जो है हमारा मजदूर वर्ग का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का प्रतिज्ञा लेंगे। जब COVID-19 आने के पहले भी पूरा दुनिया में और खास करके हमारे देश में आर्थिक मंदी थे, मोदी सरकार का नीचे जो आर्थिक मंदी तेज हो रहे थे, अभी कोविड आने के बाद ये आर्थिक मंदी और जो संकट जो है और गंभीर होगा, और ये पूरा संकट का वजन जो है, बोझ जो है जनता मजदूर के बीच में, जनता के बीच में डालने के लिए शासक वर्ग प्रयास करते हैं। अभी ये जो कोविड का शुरुआत से WHO ने सक्रिय होने के लिए सब सरकारों को आह्वान किया था तैयारी करने के लिए, मेडिकल तैयारी और जनता को तैयारी करने के लिए ये WHO जो है आह्वान करते थे। लेकिन जैसे ट्रंप और यूरोप का साम्राज्यवादी नेता, ऐसा ही मोदी भी जो है इसके बारे में कोई सक्रिय कार्यक्रम लिया ही नहीं। इसके कारण जो है हमारे देश में एक लॉकडाउन जो है अचानक एक लॉकडाउन का घोषणा करना पड़ा। उसके पहले राज्य सरकारों को, जनता को विश्वास में नहीं लिया, और हमारे देश में जो 40 करोड़ कैशुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उसमें आधा लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स है या ज़्यादा, और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स को नौकरी तो जाएंगे लॉकडाउन में और उनका शटर भी जाएंगे, इनको वापस जाना है, तो इसलिए उनको मौका देना चाहिए था। ट्रेन और बस सब बंद करने के पहले कम से कम 8-10 दिन का टाइम दे करके, ये मौका दे करके, उसके बाद जो लॉकडाउन घोषणा करते थे, हम लोग एक ह्यूमन ट्रेजेडी जो है हम लोग देखा था उसको अवॉइड कर सकते थे, और इसके बाद भी कोई कुछ सीखता नहीं है। अभी भी मेडिकल प्लानिंग सब बहुत कन्फ्यूजन में है, अभी भी जो है टेस्टिंग के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, अभी भी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट का भी सुविधा नहीं है, निजी हॉस्पिटल को इस्तेमाल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, और एक इकोनॉमी पैकेज का घोषणा नहीं किया है। इसलिए जो मजदूर जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे शेड्स में रहते थे उनको खाना नहीं मिल रहा है ठीक तरह के, और उनको रहने का बंदोबस्त और मेडिकल का बंदोबस्त ये कुछ नहीं होने वाला है, और इसलिए ये मजदूर पर जो भी उधर है 20-25 करोड़ लोग जो है अलग अलग इलाका में जो फंसा हुआ है, ये सब लोग अपना गांव में जाना मांगता है, और विद्यार्थी भी फंसा हुआ है वो भी गांव में जाना मांगता है, इनको सबको लेके जाने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अभी तक कोई प्लान नहीं है। दूसरा लॉकडाउन भी अभी ख़त्म होने वाला है 3 तारीख को, इसे हम सरकार से डिमांड करते हैं ये तुरंत एक प्लान तैयार करना चाहिए। तो हमारा इस मई दिवस के अवसर पर हमको ये सोचना पड़ेगा, अभी हम काली जो है सुधार के लिए और ज़्यादा बेच के लिए ऐसा कानूनी लड़ाई लड़ने से हम लोग जो है हमारा हमको जो गुलाम बनाया हुआ है इस स्थिति को हम बदल नहीं सकता है। पहले से भी जो ज़्यादा खतरनाक अवस्था में हमको गुलाम बनाया हुआ है, इस अवस्था को अगर परिवर्तन करना है मजदूर वर्ग को आगे आना पड़ेगा, राजनीतिक शिक्षण लेना चाहिए, और राजनीतिक तरीके से नेतृत्व करने के लिए मजदूर वर्ग तैयार होना पड़ेगा, और मजदूरों का नेतृत्व में जब तक हम इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था को फेंगेगा नहीं और समाजवाद के लिए काम आगे बढ़ाएगा नहीं, हम जो है मुक्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मजदूरों का मुक्ति, इधर का आम जनता का मुक्ति, ये इसके लिए अभी हमको तैयार होना पड़ेगा, इसे हमको अब सबक सीखना पड़ेगा। अभी हमारा नव उदारवादी नीति आने के बाद
कि कैसे भयानक आक्रमण जो है मजदूर के ऊपर, मजदूरी के ऊपर और प्रकृति के ऊपर जो किया है, उसका भविष्य हम लोग बहुत खराब होगा हम लोग देख रहा है। जैसे मजदूरों को जो अधिकार सबसे वंचित करके कैशुअल कॉन्ट्रैक्ट मजदूर किया, उसी तरह प्रकृति के ऊपर जो आक्रमण करके एक इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी, पर्यावरण का एक संकट पैदा कर रहा है, और इसका इसका फलस्वरूप में अभी वायरस सब आ रहा है, अभी नया वायरस आएंगे और नया ये कोलोसल डैमेज आएंगे। और क्योंकि हम लोग जो जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक तापमान को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, ये सहित जो है सब कुछ जिम्मेदारी अभी वर्किंग क्लास को लेना पड़ेगा, समाज को बदलने का जिम्मेदारी वर्किंग क्लास को लेना पड़ेगा। इस मई दिवस के संदर्भ में हम इसके लिए प्रतिज्ञा करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए हमारा नारा होंगे, ये प्रवासी जितना भी मजदूर फंसा हुआ है इनको सब घर में वापस लेके जाने के लिए प्रयास प्लानिंग करना चाहिए, और साथ साथ जो है 10,000 रुपया हर परिवार को अलाउंस में देने के लिए, और वर्कर्स का जो लॉकडाउन टाइम का पेमेंट करने के लिए, और ये सरकार सामने आना चाहिए। और साथ साथ जो है मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है, इस मई दिवस के अवसर पर हम नया हम प्रतिज्ञा फिर एक बार प्रतिज्ञा करेंगे कि हम लोग जो है संगठित हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम इस व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे, हम समाज बदलाएंगे। लाल सलाम।